इतने सारे आउटफिट्स आज के वीडियो में। आज का वीडियो है अमेज़ॉन से और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और मैंने एक प्रोडक्ट भी रखा है जो कि इसका डिटेल रिव्यू मैं दूंगी। सो डेफिनेटली डोंट मिस टुडेस वीडियो एंड ऑल आउटफिट्स आर सुपर्ब और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। सो डोंट मिस, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, माई हॉल स्टोर का लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने, सो गो एंड चेक दम आउट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट फर्स्ट, अभी के अभी बगल के नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो। और वीडियो को लाइक भी कर देना, ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तो लाइक ज़रूर करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगते आपको, बस इट इज़ टोटली फ्री। बट पता है आपको लाइक बटन क्यों दिया होता है? लाइक करने से बना यूट्यूब को पता चलता है कि आपने वीडियो को लाइक किया है, मतलब ये वीडियो अच्छा है। ओके सो प्लीज़ डू इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आउटफिट। सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल तीखी इमली, साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है एंड आई लव द कलर, लव द डिज़ाइन, लव द एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही यूनिक लगा मुझे ये। और कलर तो यार ये पता नहीं क्यों ये मेरा बहुत ही फेवरेट कलर बनते जा रहा है। शेड्स ऑफ पर्पल, लाइलैक, इस तरह के शेड्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल वन। सो आप देख रहे हो कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये पूरी तरह से नेक एरिया पर दी हुई है और काफ़ी भरा भरा लग रहा है आपको नेक एरिया, बट लेकिन पूरा कुर्ता जो है फिर सिंपल है, प्लेन है, कुछ भी वर्क नहीं है। सो ये जो वर्क है ना ये काफ़ी एलिगेंट लगता है। राउंड नेक प्रोवाइडेड है और एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हो डिफरेंट थ्रेड से की गई है, ग्रीन, पिंक, ग्रे, शेड्स ऑफ वाइट। सो यस, सो बहुत सारे डिफरेंट शेड्स है और काफ़ी अच्छा लगता है। इसका जो मटेरियल है दिस इज़ सिल्क, कॉटन सिल्क मटेरियल और इस तरह से 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है। यहाँ पर भी लेस अटैच्ड है और इस तरह से इनर प्रोवाइडेड है अंदर से पॉलिएस्टर इनर। ओके और साइड कट भी दिया हुआ है। ओके और बैक साइड से आप देख सकते हो कि पूरी तरह से प्लेन है ये मटेरियल। इसके साथ जो बॉटम है दिस इज़ हैविंग इलास्टिक। ओके और पॉकेट प्रोवाइडेड नहीं है, आई वॉज होपिंग कि पॉकेट हो बट पॉकेट प्रोवाइडेड नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। और पैंट की विथ कुछ इतनी है। ओके सो दिस इज़ अ पैंट, शेड आपको सेम मिल जाएगा। और दुपट्टा, दुपट्टा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे और नेट दुपट्टा है, ठीक है, और कुछ इस तरह से है नेट दुपट्टा है। नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है ये नेट और इस तरह से पिंक जो है बॉर्डर लगी हुई है और यहाँ पर इस तरह से ना फ्लावर्स बने हैं। अब देख रहे हो कि थ्रेड से ना वर्क किया गया है इस तरह से और डिफरेंट शेड्स यूज़ किए गए फ्लावर्स में भी, शेड्स ऑफ पिंक और ग्रीन यूज़ किया गया है। सो इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से कटवर्क भी है। पूरे दुपट्टे पर ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। लुक एट दिस, वाओ। सो मुझे इसलिए ये जो है ना मतलब कुर्ता सेट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यू नो अच्छे से वर्क किया गया है, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। इसके फैब्रिक की क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है। फैब्रिक क्या है एग्जैक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बट इट इज़ सो कंफर्टेबल फॉर द होल डे। आप ये कंफर्टेबल है क्योंकि मैंने इसे पहनकर देखा तो मुझे सच में काफ़ी कंफर्टेबल लगा और मतलब आप किसी फंक्शन में भी पहनना चाहते हो तो भी आप आराम से पहन सकते हो, इतना वर्क है उस पर। सो डेफिनेटली अगर आप अच्छा सा क्लच कैरी कर लोगे, ईयरिंग्स पहन लोगे तो यस इट विल कंप्लीट द लुक, सो गो फॉर इट। सो नेक्स्ट जो आउटफिट है दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर अ पार्टी, लाइक कोई अगर घर में पार्टी है छोटी मोटी कहीं आपको पहन कर जाना है किसी ओकेजन के लिए, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस वन। सो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड कॉल तीखी इमली और साइज़ मैंने इसमें मीडियम पिक किया हुआ है, आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीडियम। अब जो है ना मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है तो मैं मीडियम साइज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ, बट देखा जाए तो मैं थोड़ी सी ओवरवेट हो गई हूँ मेरे हाइट के अकॉर्डिंग। सो तभी भी मैं स्मॉल साइज़ क्यों बाय करती हूँ, टू मोटिवेट माई सेल्फ कि मैं अपना वेट जो है रिड्यूस करूँ, क्योंकि विथ एज अगर आपकी वेट बढ़ रही है तो वो अच्छा साइन नहीं है, आपको वेट फिर से रिड्यूस करना चाहिए ताकि आगे जाके और मेरा वेट ना बढ़े। ओके सो अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आपको भी कंसिडर करना चाहिए कि आप वही साइज़ बाय करें ताकि आप उसमें फ़िट हो ना हो तो आपको वो लगे कि आप मोटे हो रहे हो, आपको पतला होना है, वो मोटिवेशन बरकरार रहे उसके लिए, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं तो इसलिए मैं जानती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ, आप समझ गए हो, जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए ये आंसर है।
सो यस, दिस इज़ द नेक्स्ट वन. इसका जो शेड है ना, ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा. इट इज़ लेवेंडर शेड और आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी सा आउटफिट है ये. इसका मटेरियल जो है, इट इज़ समवॉट लाइक पॉलिएस्टर मटेरियल जैसा फील आ रहा है मुझे इसमें, बट एग्जैक्टली पॉलिएस्टर नहीं है, इट इज़ कॉटन पॉलिएस्टर जैसा नहीं होता वैसा है. बट दिन भर के लिए आप इसे कैरी कर सकते हो. बहुत ही सुंदर सा आउटफिट है ये. ओके, लेट्स ओपन दिस. दिस इज़ एन ए लाइन कुर्ता, ठीक है. और जो भी वर्क आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना क्रिस क्रॉस, ये आलिया कट कहते हैं इसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इस तरह से जो लुक क्रिएट किया गया है और यहाँ पर ना लेस अटैच्ड है. अब इस लेस पर ना बहुत ही अच्छा वर्क किया है. आप देख रहे हो इस तरह से ना बीड्स भी लगाए हुए हैं और डायमंड्स है. सो इस तरह से जो है ना वर्क किया गया, स्टोन यूज़ किए गए हैं, ठीक है. लुक एट दिस. सो यस, सो ये पूरी तरह से यहाँ पे लेस इस तरह से अटैच की गई है और इनर प्रोवाइडेड है, पॉलिएस्टर इनर, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू. और यहाँ नीचे ए लाइन कुर्ता है, तो ये यहाँ पे ना इस तरह से फ्रिल्ड लुक दिया हुआ है, ठीक है. और बैक साइड से भी ये लुक है, ठीक है. 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ पर भी लेस अटैच है. सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू दिस वन, आप ज़रूर बाय करें. जो फ्रंट पोर्शन, जो अपर पोर्शन है ना, इसी में आपको एम्ब्रॉयडरी मिल, आई मीन इनर मिलेगा. फिर नीचे के साइड इनर प्रोवाइडेड नहीं, चूँकि ज़रूरत भी नहीं है. और इसके साथ जो बॉटम है, इट इज़ प्लेन, सेम आपको फैब्रिक मिलेगा. इट्स अ प्लेन बॉटम और इलास्टिक प्रोवाइडेड है. पॉकेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड. आई थिंक ये ब्रांड जो है पॉकेट प्रोवाइड ही नहीं करते और विड्थ इतनी है. ओके, सो दिस इज़ अ पैंट. आई लव द कलर, कलर सच में काफ़ी अच्छा है. जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है, आई थिंक ये उसी शेड में ही है. यस, और इसका दुपट्टा, दुपट्टा बहुत सुंदर है. लुक एट दिस. ओके, सो इस पर ना ये सारा जो भी आप वर्क देख रहे हो, दिस इज़ वोवन. ओके, और यहाँ पे नीचे ना टैसल्स भी है. इसका मटेरियल इज़ लाइक अ सिल्क मटेरियल, सॉफ्ट सिल्क नहीं होता वैसा वाला है, सॉफ्ट कॉटन सिल्क आप कह सकते हो. और जिस तरह से भी आप लेना चाहो ये दुपट्टा, उस तरह से ये आपके जो है ना, इट विल टेक इट्स प्लेस. ऐसा नहीं है कि फैलेगा या ऐसे कुछ है, बहुत ही सॉफ्ट है. सो यस, दिखने में तो बहुत ही सुंदर है. कलर इज़ सीरियसली नाइस, सो डेफिनेटली पिक इट. जो मैंने ड्रेस पहनी ये भी अमेज़ॉन से ही है और इसका डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप जाकर चेक कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल अहिका और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. सो यस, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे. अहिका और वामसी ये दोनों जो है ना एक ही ब्रांड है. ओके, अब इस पर ना टैग पर लिखा है वामसी और इस पर जो है ना यहाँ पर लिखा है अहिका. सो कंफ्यूज मत होना, दोनों भी एक ही ब्रांड है. और ये कुछ इस तरह का सेट है. सो इट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, इस तरह के शेड्स हैं इसमें. दिस इज़ एन ए लाइन कुर्ता, ठीक है. ओके, ये कुछ इस तरह से है और कॉटन है, प्योर कॉटन. ये जो नेक एरिया है, ये यहाँ पर डिफरेंट फैब्रिक अटैच्ड है. यहाँ पर जरी का काम है, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू. यहाँ नीचे इस तरह से ना पॉम पॉम और टैसल लगे हुए हैं, ठीक है. इस, ये आप देख रहे हो बहुत ही क्यूट सा लुक है इसमें. ओके, और 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है. यहाँ पर भी वाइट फैब्रिक अटैच्ड है इस तरह से, और इस तरह से इसका लुक है. ए लाइन कुर्ता है. प्रिंट मैं आपको पास से दिखा दूँ, ठीक है. और यहाँ नीचे डिफरेंट प्रिंट है, इवन बैक साइड से आप देख रहे हो कि इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है. सो इट इज़ नाइस. और ये जो प्रिंट है आप देख रहे हो, ये जो प्रिंट है जो नेक एरिया में दिया हुआ था कुर्ते के, वही प्रिंट है जो कि बॉटम में दिया हुआ है. इलास्टिक प्रोवाइडेड है. लेट मी चेक इफ पॉकेट इज देयर. कभी कभी मतलब ए लाइन कुर्ती इसमें भी पॉकेट होते हैं, बट इसमें नहीं है. और विद इसकी इतनी है, ठीक है. सो दिस इज़ अ पैंट. और इसके साथ जो दुपट्टा है, इट इज़ हैविंग वाइट शेड, मेजरली वाइट शेड है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट लुक देना है तो इसलिए.
सो वाइट पर इस तरह से ब्लैक प्रिंट है, ठीक है। सो इस पर ट्रीज बने हुए हैं इस तरह से। ये जो मटेरियल है ना, ये सुपर सॉफ्ट मटेरियल है इस दुपट्टे का। सो या सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इट इज़ गुड। सो डेफिनेटली पिक दिस वन, आई एम लाइकिंग दिस। दुपट्टे की लेंथ विद काफ़ी अच्छी है, सो गो फॉर इट। प्योर कॉटन है। और इसके बाद जो आउटफिट है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड अहिका अगेन। सो अहिका बाय वामसी इस तरह से लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ इन येलो कलर। सो कुछ कुर्ता सेट जो है मतलब इस तरह से भी है कि आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, इवन यू कैन यूज़ इट फॉर ऑफिस, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। सो यस, ये जो कुर्ता सेट है ना, ये इसका मटेरियल ना मुझे कॉटन ब्लेंड लग रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ ओके, इट इज़ नाइस इन अपीयरेंस। अपीयरेंस काफ़ी अच्छा है इस कुर्ते का। और ये जो फैब्रिक है ना, ये डिफरेंट फैब्रिक अटैच किया गया है यहाँ पर। इस तरह से मरून बटन्स है, क्लोथ बटन्स अटैच्ड है, नॉट ओपनेबल, जस्ट फॉर शो पर्पस। और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड। लुक एट द प्रिंट, इट इज़ नाइस। और स्ट्रेट कुर्ता है, साइड कट इज़ प्रोवाइडेड। बैक साइड से आपको इस तरह से प्रिंटेड लुक मिल जाएगा। और इसकी ओके, दिस इज़ नॉट इवन ट्रांसपेरेंट, मुझे लगा ट्रांसपेरेंट है बट ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। इसके साथ जो बॉटम है, ये कुछ इस तरह से लाइट शेड में है, ऑब्वियसली इट शुड बी लाइट। और इलास्टिक प्रोवाइडेड है यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह से राइट साइड में पॉकेट है, इवन नहीं लेफ्ट साइड में नहीं है, सॉरी। सो प्रिंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, एंड दिस इज़ अ विड्थ, ओके। सो डेफिनेटली। और इसके बाद जो दुपट्टा है, दुपट्टे का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मलमल कॉटन नहीं होता वैसा वाला फैब्रिक है। वाओ वाओ, दुपट्टा सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ नीचे की तरफ ना इस तरह से प्रिंट है, और यहाँ ऊपर की तरफ डिफरेंट प्रिंट दिया हुआ है। सो डेफिनेटली पिक दिस वन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल आउटफिट एंड यू शुड नॉट मिस दिस वन टू। कि डिफरेंट शेड है और डेली वेयर के लिए भी आई थिंक अच्छा ऑप्शन है। बहुत लोग ना कुर्ता सेट पहनना ही प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ओके। सो गो फॉर इट। सो इसके बाद जो है, आई शो अ विंटर वेयर। नाउ दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड द ड्राई स्टेट, ओके। सो ये जो है ना, दिस इज़ अ पुलोवर, ओके, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया है। गो फॉर योर ओन साइज़। ऐसा नहीं है कि आपको विंटर वेयर में एक साइज़ अप लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक इसका सवाल है, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है मुझे, और एकदम से लूज मुझे पसंद नहीं है पहनना, तो इट इज़ परफेक्ट फॉर मी। लुक एट दिस, इसका जो फैब्रिक है, दिस इज़ वुलन, और इवन ज़्यादा अगर ठंड है तो उसके लिए भी चल जाएगी, और ठंड की स्टार्टिंग जो होती है उसके लिए भी चल जाएगी। लुक एट द शेड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड, इसमें पीच कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू के शेड्स है, पिंक, पर्पल, और फिर से ग्रीन, ब्लू, इस तरह से पीच शेड यूज़ किया गया है। इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। और इस तरह से स्लीव्स है, ठीक है। दिस इज़ स्ट्रेचेबल, जस्ट यू हैव टू पुल इट अप, इट विल लुक क्लासिक। और यस, फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो गेट दिस लुक। पेयर दिस विद डेनिम्स, पेयर दिस विद शॉर्ट्स, या फिर आपको जैसे भी पेयर अप करना है इसे आप कर सकते हो, इट विल लुक नाइस। इसका फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड इन केस यू वॉन्ट टू गो फॉर अ विंटर वेयर, दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। सो यस, इवन ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, फॉर एयरपोर्ट लुक ऑल्सो इट इज़ गुड, सो गो फॉर इट। सो इसके बाद जो है, मैं आपको दिखाऊंगी एक ट्रैक पैंट जो कि मैंने ऑर्डर की है। दिस इज़ फ्रॉम मैक्स, ओके, मैक्स फैशन। और ये इस तरह से ना लाइलैक शेड में है। साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है, एंड आई थिंक दिस विल फिट मी नाइसली, ठीक है। इसमें इलास्टिक भी है, फैब्रिक इज़ कॉटन, और पॉकेट प्रोवाइडेड है यहाँ पर। साइड से आप देख रहे हो इस तरह का लुक क्रिएट किया गया है, एंड गुड फॉर ट्रैवलिंग, गुड फॉर वॉक। अगर आप वॉक भी करते हो दिन में तो भी आप इस तरह के पैंट्स पहन सकते हो, एंड विड्थ कुछ इतनी है, ओके। सो यस, आई लव द मटेरियल। मटेरियल बहुत ही अच्छा है मेरे पास। मैंने ना शायद इसी शेड में ना लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने एक हुडी मंगाई थी,
इसी शेड में, सो आई थिंक इट विल गो विद दिस। और मैं आपको ना हुडी और ये जो है ना ट्रैक पैंट, ये दोनों पेयर करके दिखाऊंगी। अगर आपको उस हुडी का भी लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के जो है ना साथ हुडी को भी लिंक कर दूंगी। अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो मैं ना लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक, ओके तो आप एक बार चेक कर लेना। बट दिस इज़ गुड, इवन हुडी का हुडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो इन केस यू वॉन्ट टू लाइक पेयर बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो आप दोनों एक साथ बाय कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके सो गो एंड चेक। सो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक प्रोडक्ट भी दिखाने वाली हूँ वीडियो में। सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल ब्रॉन एंड दिस इज़ मिनी हेयर रिमूवर। बहुत टाइम से मुझे ये लेना था फॉर माई फेस, क्योंकि इस पर लिखा है कि ये काफ़ी स्मूथ वे में जो है ना आपके फेशियल हेयर रिमूव करता है। इट इज़ जेंटल ऑन स्किन और यहाँ पर इसमें ना स्मार्ट लाइट भी होती है, जिससे ना अगर कम लाइट भी हो तभी भी आप जो है हेयर रिमूव कर सकते हो। सो काफ़ी सारे रीजंस थे मुझे ये बाय करने के लिए। जैसे कि मैं फेशियल रेजर्स यूज़ करती हूँ, अगर आप भी यूज़ करते हैं, मैंने ना फेस पर मैं रेज़र नहीं यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ यू नो अपर लिप्स के लिए हो या फिर फोरहेड के लिए हो, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल हो जाने का टाइम है तो फिर मैं कभी कभी अपनी आईब्रोज भी कर लेती हूँ। सो उन चीज़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ, नॉट फॉर माई फेस। बट आई थिंक आई ऑल्सो स्टार्ट यू नो रिमूविंग हेयर फ्रॉम माई फेस, जो कि चीक्स पर भी बाल होते हैं, इवन चिन के मतलब चिन पर भी बाल होते हैं, तो उस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका ध्यान मतलब मुझे रखना है मेरे फेस के लिए। सो डेफिनेटली मैंने सोचा कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आईव गॉट दिस वन एंड दिस इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव। और मैंने प्रोडक्ट को पहले ही ओपन करके रखा था टू शो इट टू यू। सो ये कुछ इस तरह से है, लुक एट दिस, इस तरह से पैकेजिंग में आता है एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। ओके सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, आई विल सी व्हाट इज़ देयर इनसाइड हियर। कुछ दिया हुआ है साथ में, ओके सो इस यहाँ पर ना छोटा सा ब्रश भी दिया था। ओके सो यहाँ पर ब्रश है टू क्लीन द टिप आई गेस। सो ये कुछ इस तरह से ब्रश है, ओके सो क्लीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर से इसमें रख देते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट, लुक एट दिस, इट इज़ सच अ टाइनी प्रोडक्ट, मिनी प्रोडक्ट है ये, और आप इसे कहीं पर भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये इस तरह से ना ओपन हो जाता है, लुक एट दिस, ओके एक क्लिक के साथ ओपन हो जाता है एंड इस तरह से ये बंद हो जाता है, ओके और यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर डाउन एरो है। सो डाउन एरो अगर आप करोगे तो ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक पेंसिल सेल आपको दिख रही है, तो इस तरह से इसमें सेल डली हुई है। सो ये प्रोडक्ट जो है ये सेल पे चलता है और जैसे आप इसे बंद करोगे, ओके अब 0 से आप इसे 1 पे करोगे तो ये प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये लाइट भी ऑन हो चुकी है यहाँ पर और ये प्रोडक्ट अब स्टार्ट हो गया है। मैंने इसे थोड़ा सा ना मेरे हैंड्स पर यूज़ करके देखा, इट इज़ वर्किंग सीरियसली, बहुत जेंटल लगा मुझे मेरे स्किन पर। अब मैं यूज़ करूँगी इसे अपर लिप्स के लिए, मेरे थोड़े बहुत हेयर है, सो लेट्स डू इट। आप देख सकते हो यहाँ पर ना बाल हैं, मेरे ब्राउज तो काफ़ी बड़े हुए हैं, इग्नोर दैट। मैं अपने ब्राउज ना बहुत कम मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता है सैलो जाने का इसलिए, बट मैं सैलो जाके ही करवाती हूँ। आई डोंट डू एन एक्सपेरिमेंट विथ माई आई ब्राउज नाउ, मैं बहुत पहले करती थी, बट नाउ लेट्स डू दिस। यूज़ द प्रोडक्ट इन सर्कुलर मोशन, मैं आपको एक क्लिप शो कर रही हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी तरह से इसने मेरे बालों को निकाला है। आप डॉट डॉट देख रहे हो, ये बहुत ही हल्के से जो बाल है ना आपकी स्किन पर वो भी निकाल रहा है पाउडरी फॉर्म में। सो दिस इज़ रियली वर्किंग एंड डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है, ओके सो गो एंड बाय। सो कैसा लगा आपको आज का ओवरऑल वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने मिले जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो डू इट, ओके और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके सो डू इट। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।